आइए दोस्तों, आज हम पाइथन की एक लाइब्रेरी पांडा का यूज देख लेते हैं। देखिए, ये पार्ट वन है और हमने अपने कोड लिख दिए हैं। चलिए वन बाय वन इसको यूज करना देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों अपने कोड में लिखा है यहाँ पर इम्पोर्ट पांडा एस पी डी, तो इसको हम रन करेंगे। तो देखिए हमें हमारा कोड रन हो जाएगा, यहाँ पे वन आ गया लिखा हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने दोस्तों टाइप किया पीडी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इससे हमें हमारा वर्जन पता चल जाएगा। जैसे ही हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने 2.0.3 हमारा वर्जन दे दिया। चलिए नेक्स्ट कोड में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट के अंदर मतलब हमने कई पैरामीटर दिए हैं, मतलब वैल्यू दी है 1, 2, -3.2, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने एक टेक्स्ट दिया है जिसमें हमने लिखा डेट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कराया है, तो देखते हैं क्या मिलता हमें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी लिस्ट हमें मिल गई है। चलिए अब देखते हैं इसको सीरीज में कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पीडी डॉट सीरीज लिखा और इसको ही जो ये हमारी ऊपर लिस्ट थी इसको यहाँ पर मतलब इसको हमने इसका वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया और इसको एक नए वेरिएबल में असाइन कर दिया जो सीरीज वन के नाम से है दोस्तों, और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो देखते हैं अब ये हमें सीरीज में कैसे देगा। तो देखिए इसने इंडेक्स के साथ हमें हमारी सीरीज दे दी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 आप देख पा रहे हैं और 0 पर क्या है 1, और यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट करता है पाइथन में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका डेटा टाइप देखते हैं दोस्तों, ये टाइप क्या है। तो हमने यहाँ पर टाइप लिखा और इसके जो वेरिएबल था सीरीज वन को हमने यहाँ पर प्रिंट कराया और रन कराया। तो देखिए इसका जो टाइप है हमारे पांडा डॉट कोर डॉट सीरीज डॉट सीरीज है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सीरीज टू के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने एक सीरीज पास की है, यानी कि पीडी डॉट सीरीज राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब लिस्ट में 1, 2, 3, 4 दिया है और यहाँ पर इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, इंडेक्स वैल्यू 0 पर 1 आ गया, इंडेक्स वैल्यू 1 पर 2 आ गया और 2 पर 3 आ गया और 3 पर 4 आ गया। पाइथन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 0 से स्टार्ट करता है इंडेक्सिंग, तो आप ये याद रखना। चलिए अब देखिए एक एम्प्टी यानी कि खाली सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हमने एक एम्प्टी का मतलब वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हमने ये खाली एम्प्टी, इसके अंदर कोई भी हमने वैल्यू नहीं दी है और इसको यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे जो सीरीज मिली है वो हमें खाली मिली है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सीरीज थ्री बना रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। ये एक वेरिएबल साइन कर लिया हमने, इसके अंदर हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पर हमने पीडी सीरीज में देखिए 1, 2, 4 लिया है और इसकी इंडेक्सिंग इस बार हम अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं कि जहां पर 0 है वहां पर ए आ जाए, जहां पर 1 है वहां बी आ जाए, जहां 2 है वहां सी आ जाए और जहां 3 है वहां डी आ जाए। चलिए अब देखते हैं जब इसको प्रिंट कराएंगे क्या ये वैल्यू आएगी। चलिए देखिए जैसे इसको रन कराया तो देखिए हमारे पास आ गया। कहने का मतलब ये है जब आप सीरीज क्रिएट करते हैं दोस्तों कोमा लगा के इंडेक्स लिखेंगे और इजिकल टू लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी वो वैल्यू देंगे जो आप इंडेक्सिंग में चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए ए पे बी 1 आया, बी पे 2 आया, सी पे 3 आया और डी पे 4 आया, और जो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा था 0 आ रहा था, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि हम इंडेक्स अपनी तरफ से भी देख सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों ये कोड ऊपर का सेम है पूरा, ये वाला जो कोड आप देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा सेम कोड यहाँ पर मैंने लिया है, बस यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगा के इसका जो डेटा टाइप है वो फोल्ड कर दिया, मतलब फ्लॉट कर दिया। फ्लॉट से क्या होगा चलिए देखते हैं इसको रन करके। देखिए दोस्तों जैसे हमने फ्लॉट किया तो इसने हमें फ्लॉट वैल्यू दे दी, ये जो थी दोस्तों ये न्यूमेरिकल थी मतलब इंटीजर वैल्यू थी, ठीक है, और ये फ्लॉट दे दी इसने, फ्लॉट मतलब डेसिमल वैल्यू। तो इस तरह आप अपनी इंटीजर वैल्यू को फ्लॉट में मतलब डेसिमल में बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे पास ये ऊपर का ही कोड है, यहाँ पर हमने फ्लोट तक देख लिया। अब देखिए हम यहाँ पर इसको डेटा टाइप यानी कि डेटा वैल्यू को नेम देना चाहते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर नेम दे दिया डेटा वैल्यू, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
और इनवर्टेड कॉमा के अंदर दिया है और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कराया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई नाम नहीं है जैसे कि हमारे इस कोड में, बस यहाँ पर हमने इसको नाम लिखा और इजिकल टू दिया और वैल्यू दी। तो देखिए अब जब इसको रन कराएंगे दोस्तों क्या होगा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेम आ गया, ये रहा हमारा जो पहले ऊपर वाले में नहीं आ रहा था। तो इस तरह से अपने डेटा फ्रेम को या सीरीज को आप नाम भी दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर स्क्वायर के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है जो कि हमारे जिसके अंदर हमने पीटी डॉट सीरीज और राउंड ब्रैकेट के अंदर 0.5 दिया है। इसको जब हम प्रिंट कराएंगे दोस्तों देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमारी जीरो इंडेक्सिंग पे एक वैल्यू मिली है जो कि 0.5 है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसी के अंदर कोमा लगा के और इंडेक्स में 1, 2, 3 दे दिया और इसको जब प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों 1, 2, 3 के साथ इसने हमें सेम वैल्यू दे दी क्योंकि हमने वैल्यू एक थी और इंडेक्सिंग हमने 1, 2, 3 दी थी तो इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डिक्शनरी में कैसे यूज करते हैं, तो देखिए डिक के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया पीडी डॉट सीरीज और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने डिक्शनरी का करली ब्रैकेट दिया, उसके अंदर हमने इनवर्टेड कॉमा के अंदर कॉलन लगा के 1 दिया और फिर बी दिया और फिर कॉलन लगा के 2 दिया और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कराया तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, तो ए की वैल्यू हमें 1 मिली और बी की वैल्यू हमें 2 मिली। तो इस तरह ये डिक्शनरी का हमें सीरीज देता है दोस्तों जो कि की और वैल्यू का पेयर होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, S4 यानी कि सीरीज 4, हमने एक सीरीज 4 क्रिएट की है दोस्तों पीडी डॉट सीरीज और उसके अंदर हमने एक लिस्ट पास की है। अब इसको प्रिंट करा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए हमारी जो 1 से लेके 5 तक हमारी लिस्ट आ गई है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम स्लाइसिंग का यूज करेंगे। देखिए हम 0 पे देखते हैं, 0 इंडेक्सिंग पे हमारा क्या है, हमारा 1 है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा S4 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू दी और इसको रन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 आ गया है दोस्तों। ठीक है, अगर हम 3 देते हैं तो देखिए 3 पे जो वैल्यू होगी 4 आ गई है, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 आ गया है। चलिए दिखा देता हूं मैं आपको, देखिए 0 पर क्या था 1 आ गया और 3 पे क्या था 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप स्लाइसिंग भी कर सकते हैं और देखिए आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी स्लाइसिंग करते हैं, 0 से लेकर 3 तक के बीच का डाटा हमें चाहिए तो देखते हैं क्या मिलता हमें, तो 0 से 3 तक यानी कि 3 जो हमारा रहता है वो एक्सक्लूड होता है, मतलब ये इसको काउंट नहीं करेगा, यानी कि ये 1, 2 और मतलब 0, 1, 2 सिर्फ यही डाटा देगा जो कि हमारा दिया है। यहाँ पर ये जो 3 है दोस्तों ये एक्सक्लूड होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम मैक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर हमें मैक्स और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर S4 देते हैं यानी कि सीरीज 4 दे रहे हैं हम और इसमें से देखते हैं कि मैक्स वैल्यू हमारी क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमारी मैक्स वैल्यू 5 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैक्स वैल्यू हमारी 5 थी इसमें। ठीक है, इसी तरह आप मिन वैल्यू भी देख सकते हैं दोस्तों, मिन वैल्यू देखेंगे तो वो 1 है और अगर आप पार्टिकुलर आप ये चाहते हैं कि S4 से हमें S4 > 3 मतलब 3 से बड़ा डाटा जो भी है वो दो, तो ये देखिए इस तरह ये हमें हमारा डाटा दे देगा। देखिए यहाँ पे 4 और 5 3 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिकल लगाया है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे S5, यहाँ पर दोस्तों हमने एक सीरीज और बनाई है जो कि S5 के नाम से है जिसमें हमने एक लिस्ट पास की है जिसमें 1, 2, 5 है। अब इसको प्रिंट करा रहे हैं दोस्तों, देखिए प्रिंट हो गई है। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, S4 और प्लस S5 को मतलब S4 और S5 को प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए हमें क्या मिलता है, तो देखिए इसने हमें यहाँ पर 1, 1 को प्लस कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर S4 में भी 1 से 5 तक वैल्यू है और S5 में भी 1 से 5 तक वैल्यू है। तो अब देखिए जहाँ 1, 1 था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ 2, 2 था वहाँ 4 हो गया, जहाँ 3, 3 था वहाँ 6 हो गया, जहाँ 4, 4 था वहाँ 8 हो गया और जहाँ 5, 5 था वहाँ 10 हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे S4 और S5 को हमने यहाँ पे प्लस किया। चलिए अब F6 को देख लेते हैं, एक अलग सी सीरीज बना ली हमने दोस्तों जिसमें हमने 3 ही वैल्यू दी है 1, 2, 3। ठीक है, इसको हम प्रिंट कराते हैं दोस्तों,
तो देखिए हमारे पास आ गया, अब हम F5 और F6 को प्लस करेंगे, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है। तो देखिए जहां तक डेटा था, मतलब 6 में 3 तक डेटा था और 5 में 5 तक डेटा था दोस्तों, तो इसने 3 तक के डेटा को तो जोड़ दिया और बाकी के डेटा को नल कर दिया जो कि हमारी 6 वैल्यू में नहीं था, इसलिए उस डेटा को इसने शो नहीं कराया। तो ये इस तरह से काम करता है दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।